अगर आपने अब तक विनर स्टडी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मिलते रहे आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। फ्रेंड, हम 1857 की क्रांति देख रहे हैं और ये वीडियो पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति दिल्ली के अलावा कहाँ फैली, उसके क्या परिणाम हुए, ये क्रांति असफल क्यों हुई और किस इतिहासकार ने इसे क्रांति कहा और किसने इसे सैनिक विद्रोह कहा, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दिल्ली के अलावा ये विद्रोह और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ, किसने इनका नेतृत्व किया, तो वो देखेंगे। तो 30 मई को अवध की रानी बेगम हजरत महल के द्वारा ये वहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ और ये लखनऊ में था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश जो है उसे पहले अवध कहते थे। तो वो अपने नाबालिग बेटे बिल्किस कादिर को गद्दी पे बिठाती है और विद्रोह में शामिल होती है। 31 मार्च 1858 तक वो विद्रोह करती है और फिर 1858 को कैंपवेल के द्वारा वो वहाँ का विद्रोह शांत किया जाता है। और बाद में ये नेपाल चले जाती है वहाँ से भाग के, और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ये भी आपको याद रखना है। और वहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहते थे जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस, उनकी भी हत्या इस विद्रोह में हुआ है। तो आपको याद रखना है कि किस रेसिडेंट की हत्या, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस रेसिडेंट की हत्या 1857 के विद्रोह में हुई थी, किस ब्रिटिश रेसिडेंट की हत्या, तो हेनरी लॉरेंस, नाम याद रखिए। इसके अलावा कानपुर के बिठुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब यानी धोंदूपंत ये क्रांति करते हैं और इनकी मदद करते हैं टाटा टोपे। और 6 सितंबर 1857 को कैंपवेल के द्वारा ये विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। और झांसी में विद्रोह होता है ग्वालियर, झांसी के ग्वालियर में। तो आपको याद रखना है 5 जून 1857 को गंगाधर की जो विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें सभी जानते हैं, उनके द्वारा ही वहाँ पर क्रांति हुई। 7 और 8 जून तक वो वहाँ लड़ी, फिर कालपी होते हुए वो ग्वालियर चली गई। वहाँ पे 17 जून 1858 को उन्हें वीरगति प्राप्त हुई और उन्होंने नारा दिया था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। वहाँ पे किस अंग्रेज ने ये वहाँ की क्रांति दबाया, तो ह्यूरोज, ये नाम रखना है। और ह्यूरोज ने खुद रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि 1857 की क्रांति में एक अकेली मर्द थी, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। और तात्या टोपे ने उन्हें उनकी मदद की थी और तात्या टोपे को उनके ही एक दोस्त ने धोखा देकर पकड़वा दिया था और बाद में तात्या टोपे की फांसी हो गई थी। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी हुई थी। और ये किसने धोखा दिया था उन्हें, तो मानसिंह के द्वारा, तो आपको ये भी याद रखना है। और तात्या टोपे का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो रामचंद्र पांडुरंग राव इनका पूरा नाम था। इसके अलावा जगदीशपुर बिहार में अगस्त 1857 में विद्रोह शुरू हुआ कुंवर सिंह द्वारा। ये जमींदार थे, 80 वर्ष के थे, इन्होंने वहाँ के जो जेल में कैदी थे उन्हें छुड़वा दिया था, सबको हथियार बांटे थे और उनका नेतृत्व किया था। मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी बहुत अच्छे से इन्होंने इस क्रांति में काम किया था। और ये विद्रोह 1858 में विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा दबा दिया गया था। और कहीं कहीं लिखा है कि डगलस करके है, वो भी अधिकारी का यहाँ पे नाम आ रहा है कि उन्होंने भी दबाने में मदद की थी, लेकिन मेन थे विलियम टेलर और विसेंट आयर। इसके अलावा भी कई जगह पे ये क्रांति फैली, लेकिन ज़्यादातर ये क्रांति उत्तरी साइड में, उत्तरी भारत में और मध्य भारत में ही सिमट के रह गई। तो जैसे कि बरेली में खान बहादुर खान द्वारा कर्नल नील ने इस वहाँ के क्रांति को दबा दिया गया। मेरठ में कदम सिंह द्वारा,
सातारा में रंगोजी बापूजी के द्वारा, असम में मानीराम दत्त द्वारा, कुल्लू में राणा प्रताप वीर सिंह के द्वारा, इसके अलावा फैज़ाबाद में मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा हुई, फतेहपुर में अजीमुल्ला के द्वारा हुई और जनरल रेनर्ट के द्वारा दबा दी गई। तो ऐसी कई जगह ये क्रांति हुई। 1857 की महान क्रांति असफल होने के क्या कारण थे? तो इसका सबसे प्रमुख कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि आधुनिक शस्त्र का अभाव था। हमें जो मिल रहा था भारतीय लोगों को, चाहे वो भाला हो, चाकू हो, जो उनके हाथ में आता था वो उससे क्रांति कर रहे थे, आधुनिक शस्त्र नहीं थे। इसके अलावा नेतृत्व का अभाव था। जिस तरीके से ब्रिटिश सेना इन्हें एक कंपनी के अधीन थी, सब एक ही जन का ऑर्डर मानते थे, उस तरीके से यहाँ पे नेतृत्व का अभाव था। और नेतृत्व करने के लिए जिन्हें कहा गया था, बहादुर शाह जफर, वो खुद ही इतने बूढ़े थे, उनमें नेतृत्व का भी अभाव था और उन हालत ही कमज़ोर भी थे वो, और उतना वो प्रभावशाली नहीं थे। इसके अलावा ये जो उठाव था ये सिर्फ दक्षिण भारत में बंगाल पंजाब में नहीं फैला था, ये सिर्फ मध्य भारत और उत्तरी भारत में ही फैला था। राष्ट्रीयता का अभाव बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम एक ही राष्ट्र है और हम सब मिलके इस क्रांति में लड़ना चाहिए, ये अभाव कहीं ना कहीं था। भारत है, भारत की कोने सीमाएं हैं, क्योंकि दक्षिण भारत वगैरह में तो ये के लोगों ने तो साथ ही नहीं दिया था ना। अनेक देशी राजा लोग जो थे, जैसे कि सिख थे, कश्मीर के गुलाब सिंह थे, सिंधिया थे, हैदराबाद के वजीर थे, भोपाल के बेगम, नेपाल के मंत्री और बहुत सारे थे, उन्होंने तो साथ ही नहीं दिया, उल्टा अंग्रेजों की भी कई लोगों ने मदद की थी इस युद्ध में। और संचार शक्ति नहीं थी, कहाँ बातें इन्हें कहाँ पर क्रांति करना है, कब करना है, क्या है, नियोजन नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे जिस तरीके से अंग्रेजों के पास थे, हमारे पास नहीं थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग जो था इसमें तटस्थ था। ये क्वेश्चन आया है तो आप ये याद रखिए कि शिक्षित वर्ग तटस्थ थे, या ना ही उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिए थे, ना ही उन्होंने भारतीयों का साथ दिए थे, मतलब वो उदासीन थे, तटस्थ थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो प्रथाएँ थी, कुप्रथाएँ थी, जैसा सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह प्रथा हो गया, तो उनके हिसाब से तो अंग्रेज सही काम कर रहे थे ना, भले ही वो गलत तरीके से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस विद्रोह में साथ नहीं दिया था। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सूदखोर, व्यापारी लोग, जमींदार लोग, ये सब जो थे इन्होंने साथ नहीं दिए थे, तो ये भी एक असफलता के कारण थे। तो आपको ये याद रखना है, जोड़िया लगाव में 4-5 ऑप्शन देकर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस विद्रोह का, इस महान क्रांति का क्या परिणाम पड़ा? तो सबसे पहले तो जो महारानी थी उन्होंने अब कंपनी का राज खत्म कर दिया, अब यहाँ पे ब्रिटिश ताज का राज खत्म हो गया, यानी इतनी बड़ी क्रांति थी कि कंपनी को हटा दिया गया और ब्रिटिश जो ताज है उसके अधिकार में पूरा अभी सत्ता दे दी गई। अब भारत जो है वो कंपनी का गुलाम ना होके ब्रिटिश ताज का गुलाम बन गया, और जो गवर्नर जनरल की पदवी थी वो ख़त्म कर दी, अब वायसराय की पदवी शुरू कर दी। लॉर्ड कैनिंग के समय ये सब हुआ था और लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल से हटा के वायसराय बना दिया गया, जैसे कि हमने गवर्नर जनरल वाले वीडियो में देखा है। इसके अलावा भारत परिषद का गठन किया गया, और सेना में अभी सैनिकों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था, तो सेना में जो है अब भारतीयों की संख्या कम कर दी गई, यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई, खासकर शस्त्र वाला विभाग तो उन्हें दिया ही नहीं जाता था, तो वो लोग बहुत डर गए थे, कहीं ना कहीं डर तो उन्हें लगा ही होगा, तो फिर से ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसलिए शस्त्र वाला विभाग था वो भारतीयों से छीन लिया गया। इसके अलावा सेना में अलग क्षेत्र, यानी क्षेत्र के हिसाब से भर्ती शुरू कर दी, यानी अलग अलग क्षेत्र, यानी कि तुम एक ही ना होके अलग अलग, गोरखा रेजिमेंट अलग, यानी ऐसा अलग अलग इसकी क्षेत्र के हिसाब से भर्ती शुरू कर दी गई। और उन्हें यह समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो फिर से कुछ बड़ी क्रांति हो सकती है, तो उन्होंने यहाँ से अब हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना शुरू कर दिया था।
और भारतीयों के मन में यही से राष्ट्रीयता की भावना शुरू हुई कि भारत एक राष्ट्र है, और यही से यानी कहीं ना कहीं इसका इस विद्रोह का ये परिणाम पड़ा कि राष्ट्रीय की भावना शुरू हुई। इसके अलावा वायसराय के साथ साथ ही उन्होंने एक भारत मंत्री ये पद भी शुरू किया था, और लॉर्ड स्टेनले ये भारत के पहले मंत्री थे, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से इतिहासकार इनसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या सैनिक विद्रोह कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इसे याद से आप याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वाक्य दिया रहेगा और फिर वो किसने कहा था, ऐसा क्वेश्चन आता है तो याद कर लीजिए। तो स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले सबसे पहले थे विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म और स्वराज्य के लिए लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो आपको ये याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा क्या कहा गया था। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। कुछ अंग्रेजी लोगों ने भी इसके बारे में कुछ कहा था, और उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने यही कहा था कि सैनिक विद्रोह था। तो वो कौन कौन लोग थे, तो वो थे डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो देखते हैं इनके वाक्य। सर जॉन सीले ने कहा था कि विद्रोह पूरी तरीके से राष्ट्रीयता ना होकर स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था, यानी वो कहना चाहते हैं कि ये राष्ट्र को लेकर विद्रोह नहीं था, ये सैनिक लोगों का एक विद्रोह था जो अपने स्वार्थ के लिए लड़े। और सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि विद्रोह का कारण सिर्फ कारतूस से संबंध रखता था, दूसरा और कोई कारण नहीं था इसका। तो ये भी वही कहना चाहते कि कारतूस के लिए इतना बड़ा विद्रोह हो गया, ऐसा कहना चाहते सर जॉन लॉरेंस। तो ये वाक्यों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि सैनिक विद्रोह कहने वाले थे डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, सीले यानी ब्रिटिश गवर्नर। सिर्फ एक नाम याद रखना है आपको, बेंजामिन डिजराइली। यही एक सिर्फ ऐसे ब्रिटिश थे जिन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम है, बाकी ज़्यादातर भारतीयों ने तो सभी ने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। तो इस तरीके से ये था 1857 की महान क्रांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और हमसे जुड़े। और ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।